Good morning, students. Today I will teach you the moral science, chapter number 8, The Lonely Giraffe, and page number 51. Tuck tuck, there was a loud knock on the window. ये टक टक करके विंडो में बहुत जोर से नॉक किया को. क्रिस डिड नॉट मूव एज ही वाज फर्स्ट एस्लीप. क्रिस ने उठा नहीं था क्योंकि वो सोया हुआ था. ही हैड ट्राइड हिमसेल्फ बाय राइडिंग हिज न्यू बाइसाइकिल ऑल डे. वो हर दिन उसका जो न्यू बाइसाइकिल है उसको लेकर राइड करना जाता है रोज. टक टक टक, देयर वाज अ नॉक अगेन, ए लिटिल लाउडर दिस टाइम. क्रिस टॉस्ड एंड टर्न्ड इन हिज बेड एंड इग्नोर्ड द साउंड. फिर टक टक करके आवाज हुआ, तब थोड़ा जोर से हुआ और क्रिस ने ये जो आवाज हुआ उसको इग्नोर किया, ये साउंड को इग्नोर किया और बिस्तर पे घूमकर सो गया. फिर व्हेन द साउंड बिकेम लाउडर, जब ये आवाज और भी जोर जोर हो रहा था, क्रिस स्विच्ड ऑन द लैंप एंड गॉट अप फ्रॉम द बेड फ्रॉम हिज बेड. तो वो उसका जो बेड लैम्प था वो स्विच ऑफ किया, उसको ऑन किया और उसका बेड से उठा. व्हाट इज द साउंड, क्रिस वंडर्ड एज ही हर्ड ए सॉफ्ट मून. तो वो सोच रहा था ये किसका साउंड है, और वो बहुत वंडर्ड विस्मित भी हो गया था. यह सॉफ्ट मून का आवाज है. ही स्लोली मूव्ड अक्रॉस द रूम टू चेक वेयर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम. तो वो बहुत ही स्लोली अपना रूम से बाहर हो गया और चेक करने के लिए ये साउंड कहाँ से आ रहा है. क्रिस रियलाइज्ड द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द विंडो. तो क्रिस ने रियलाइज किया कि ये साउंड विंडो के बाहर से आ रहा है. थ्रू ही वाज अ लिटिल हेजिटेंट टू ओपन द विंडो. उसको कुछ हेजिटेट था क्योंकि ओपन विंडो करूँ या ना करूँ. ही वाज टू क्यूरियस टू इग्नोर इट. वो इसको इग्नोर करने चाहा. क्रिस केयरफुली वॉक्ड अप टू द विंडो. He pushed the curtains aside. तो वो बहुत ही केयरफुली विंडो के पास गया और विंडो के भीतर जो पर्दा था, कर्टन था, वो उसको थोड़ा हटा दिया. To his amazement, he saw a baby giraffe with a worried look in his wide eyes. तो उसका अमेजमेंट ठीक ही था. देखा एक छोटा सा जिराफ बहुत ही ओरिड होकर उसका आंखों की तरह देख रहा है. ओ जिराफ एट माई विंडो. तो बोला ओ जिराफ तुम मेरे विंडो पे हो. ही पिंच्ड हिमसेल्फ टू मेक श्योर दैट इट वाज नॉट ड्रीम. क्रिस ओपन द विंडो. तो वो खुद को पिंच किया कि वो अगर सपना तो नहीं देख रहा है. उसके बाद वो विंडो ओपन किया. वाटर वाटर, आई नीड सम वाटर, द जिराफ सेड पैंटिंग. तो जिराफ ने बोला मुझको थोड़ा पानी चाहिए. ओ वाटर, यू नीड वाटर, जस्ट स्टे राइट हियर, आई विल गेट सम वाटर. नाबू क्रिस एंड रश टू द किचन. तो वो बोला तुमको वाटर चाहिए, ठीक है तुम यही खड़ा रहो, मैं कुछ पानी लेकर आती हूँ. ये बोलकर वो किचन की तरफ चला गया. ही टूक आउट ए बिग बोल एंड एम्प्टीड ए बोल ऑफ वाटर इन इट. वो एक बड़ा वाला बोल लिया और उसमें पानी लेकर आया. ही देन टूक द बोल एंड हरीड इन हिज रूम. और वो उसका रूम से ये बोल जल्दी जल्दी लेकर चला गया. ड्रिपिंग वाटर ऑल द वे. और पूरा के पूरा पानी उसको पिला दिया. क्रिस स्टिल कुड नॉट बिलीव दैट देयर वाज अ टॉकिंग जिराफ एट हिज विंडो. तभी भी वो पूरा वाटर उसको पिला दिया उसका रूम पे जाकर, और तभी भी क्रिस को विश्वास ये नहीं हो रहा था कि वो कुछ कोई जिराफ के साथ बात कर रहा है. हियर हैव सम वाटर, ही ईगरली कीप द बोल ऑफ वाटर ऑन द विंडो लेज. तो यहाँ पे बोल तो उसका रूम पे ले गया, तो बोला कि यहाँ पे वाटर है. तो ये बोलकर वो उस विंडो के जो विंडो के बीच जो जगह था उसमें ये बोल रखा. द जिराफ लेफ्ट द वाटर. थैंक्स ए लॉट, आई वाज वेरी थर्स्टी, द जिराफ वाज रिलीव्ड. तो पानी पीने के बाद बोला जी हाँ हमको बहुत प्यास लगा था और आप हमको रिलीफ रख रहा है. देन लैक हैज नो वाटर इन हिट, द जिराफ टोल्ड क्रिस With tear in the eyes. तो जिराफ उसके आंखों में पानी लेकर क्रिस को बताया कि लेक में बिल्कुल भी वाटर नहीं था. Would you like to come inside? क्रिस asked the giraffe with concern. क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो, ये क्रिस ने जिराफ को पूछा. No, thank you. I am so big that I don't fit in your room, said the giraffe, happy to see Chris.
तो रूम पे आने के लिए बोला था, इसीलिए बोला नहीं हम तो बहुत बड़ा है इसीलिए तुम्हारे रूम पे हम नहीं फिट करेंगे, हम यहाँ पे ही हैप्पी है तुम्हारे साथ। हाउ डिड यू रीच हियर? क्रिस सेट ऑन द लेज टू टॉक टू द जिराफ। लेज मीन्स वो जो विंडो के पास में जो जगह होता है ग्रिल और विंडो के बाहर और कहीं कभी कभी भीतर, उसको लेज कहते हैं। तो तुम यहाँ पे आए कैसे? ओ यू रियली वांट टू नो, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, सेड द जिराफ। तो जिराफ ने बोला तुम ये जानना चाहते हो बात, ये तो बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। आई वुड लव टू नो योर स्टोरी, क्रिस रिप्लाइड विद इंटरेस्ट। पर क्रिस ने बहुत इंटरेस्ट के साथ रिप्लाई दिया, नहीं हम तुम्हारा स्टोरी सुनने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। सो आफ्टर दिस थैंक यू।